गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जहाँ भी हैं आप. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी को मेरा नमस्कार. और आज हम बात करेंगे टैंक बैग की. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी एक बाइकर होता है उसकी लाइफ में टैंक बैग बहुत ही अहमियत रखता है. वो टेल बैग भी काम आ सकता है, वो बैक पैक भी बन सकता है और वो टेल बैग भी बन सकता है. तो आइए आज बात करते हैं वाया टेरा के फ्लाई नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग की. यह है वाया टेरा का नॉन मैग्नेटिक फ्लाई टैंक बैग. इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाइक पे माउंट होता है, ये इस तरीके से बाइक पे माउंट होता है. वो हिस्सा आगे रहता है, ये पीछे रहता है, ठीक है. अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या खूबी है. सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट आपको पॉकेट मिलती है. और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे से लास्ट राइड जो मेरी लद्दाख की थी उस पर ख़राब हो गया था. अंदर मैंने फेब्रिक छोड़ दी थी, थोड़ी खुली हुई थी और हाई एयर प्रेशर की वजह से वो बाहर निकल गई थी. तो वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा जो थिक है, पूरा वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन छोटे मोटे स्प्लैश के अंदर यहाँ पर जो भी चीज़ रखी हुई है वो गीली नहीं होगी. उसके बाद में एक छोटा सा पाउच आता है यहाँ पर. इसमें आप अपना छोटा मोटा कुछ भी सामान, डीएल, कुछ अगर आपको चेंज मनी रखना है या कुछ भी रखना है जो आप अर्जेंट में काम में लेना चाहें वो रख सकते हैं. दो साइड पॉकेट्स मिलते हैं. दोनों साइड पॉकेट्स पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे. वाया टेरा की आपको ब्रांडिंग मिलेगी. इधर भी ब्रांडिंग है वाया टेरा की, रिफ्लेक्टर है और ये पॉकेट है, ठीक है. यहाँ आपको इस साइड में हैंडल मिलेगा जिससे आप कैरी कर सकते हैं. यहाँ प्लेन कुछ भी नहीं है, यहाँ रिफ्लेक्टर इन्होंने दिया हुआ है. अब चलते हैं इसके पीछे. पीछे की तरफ जो मैग्नेटिक टैंक बैग आता है उसमें यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेट्स होती हैं और इसमें मैग्नेट्स नहीं हैं, ठीक है. अब जो आप जो दो हुक की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होता है कि अंदर इसके स्ट्रेप्स हैं और एक ये हुक है यहाँ पर. जब आप इस बैग को काम में नहीं ले रहे हैं और आप इसको बैकपैक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसके लिए बैकपैक की तरह ये बन जाते हैं जो कि इधर निकले हुए. आप इसको बैकपैक की तरह काम में ले सकते हैं आराम से, ठीक है. तो ये तो हो गया इसको बैकपैक की तरह काम में लेने का पार्ट. अब बात आती है कि जब आप इसको टैंक पे रखते हैं तो ये जो कपड़ा है ये बहुत ही स्मूथ है, आपके जो टैंक एरिया है उसको स्क्रैच नहीं करेगा आसानी से. हाँ, अगर आप लॉन्ग डेज तक, अगर 10 से 15 दिन तक, अगर डेली 5 से 10 घंटे अगर इसको टैंक पे रखते हैं तो माइनर से स्क्रैचेस जो आते हैं वो आएंगे. वो मैंने खुद महसूस किए लास्ट राइड में. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि पहले इस पे नीचे लेमिनेशन वगैरह कुछ टैंक पे करवा लूँगा जब भी मेरी राइड 5 से 10 दिन से ज़्यादा की होगी. तो अब चलते हैं कि अगर इसको टैंक पे माउंट करना हो, टैंक पे माउंट करना हो तो ये स्ट्रेप्स हैं दोनों तरफ. टैंक पे माउंट करना हो तो ये स्ट्रिप्स हैं दो, और ये जो आगे स्ट्रिप्स आ रखी है, ये वाली जो स्ट्रिप्स आती हैं आप ऐसे माउंट करेंगे इसको, तो ये जो स्ट्रिप्स आती हैं ये आपके बाइक के चेसी पे जाएगी नीचे, ठीक है, लूप बन के, और ये फिट हो जाएगी. और जो ये आगे वाली है ये आपके हैंडल बार के अंदर से लॉक होगी ताकि ये जो बैग है आपका इधर उधर नहीं लेगा. और बिलीव मी, आफ्टर लोडिंग ये नहीं हिलता है ड्यूरिंग द राइड अगर आपने ढंग से माउंट किया है. और अगर इसको माउंटिंग का वीडियो देखना है तो आप वाया टेरा की वेबसाइट पे जाके या यूट्यूब पे वाया टेरा सर्च करेंगे. वाया टेरा का खुद का ऑफिशियल एक वीडियो है कि हाउ टू माउंट टैंक बैग, तो उसमें आपको, आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे आपको लूप्स बनाने. दूसरी बात, अगर ये स्ट्रिप्स जो आपको लंबी लग रही है, क्योंकि कई बाइक्स की हाइट ज़्यादा होती है कई की कम होती है, तो ये लूप्स वैसे ज़्यादा जो ये रोप्स हैं ज़्यादा लंबी आती हैं. तो जहाँ तक आपका लूप आ रहा है उसके बाद में अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो कैंची से काटने के बाद यहाँ से सिगरेट लाइटर से बर्न कर दें. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने इसको आगे से बर्न किया हुआ ताकि ये और ख़राब नहीं होगी और यहीं पर लॉक हो जाती है. वैसे क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. अब चलते हैं इसकी अंदर वाले कंपार्टमेंट में. तो सबसे पहले जो इसमें कंपार्टमेंट आते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट आता है जिसमें प्लेंटी ऑफ स्पेस है. इसमें आप आराम से अपना पर्स हो गया, गाड़ी के कागज़ हो गए, मनी हो गया, या कुछ भी ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें जो आप एकदम से काम में लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं.
उसके बाद में दूसरा जो कंपार्टमेंट आता है वो ऐसे खुलता है। ये मैंने इसके अंदर इसकी हाइट और फ्लफीनेस को बनाने के लिए इसके अंदर मैंने अखबार वगैरह रखे हुए। तो अब आते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में। यहाँ पे ये मैश मिलती है आपको जिप वाली, यहाँ पे आप अपने चार्जर की चेन्स और जो भी मेमोरी कार्ड और जो भी जो चीज़ें हैं देखने वाली वो यहाँ रख सकते हैं। ये यूँ खुलता है ताकि बाइक का हैंडल आपका उसकी तरफ होता है और इस ये जो ओपन स्पेस है ये आपकी तरफ होती है अगर आप बाइक पे बैठ के खोलते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब हटा देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारी स्पेस है, मैं हाथ डाल रहा हूँ इसमें, देखो आप इसमें अच्छी खासी स्पेस है, यानी इसमें आराम से आपका एक या दो दिन का, अगर तीन दिन का भी ट्रिप है तो आप आराम से इसी में पैकिंग कर सकते हैं और इसको टेल बैग भी बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सामान भरा है और बिलीव मी गाइस इसमें बहुत स्पेस है। अब ये अगर आपको ये भी जगह कम पड़ती है कि नहीं आपको और सामान है और आपने टेल बैग बना रखा है जिसमें मेजर आप पैकिंग कर रहे हैं, लगभग एक से दो इंच इसकी हाइट बढ़ गई है, एक से दो इंच, और इसमें आप चाहें तो पूरा का पूरा हेलमेट रख सकते हैं। मैं हेलमेट रख के दिखाता हूँ, फुल फेस हेलमेट है मेरा। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा हेलमेट इसमें आ चुका है, जबकि इसमें GoPro के मैंने माउंट्स भी लगा रखे हैं, फिर भी इसमें साइड्स के अंदर मेरे को अच्छी खासी जगह मिली हुई है। जो पूरा बैग देख सकते हैं लगभग ढाई इंच की स्पेस आपको दे रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे तो। अगर आप चाहें एक्सपेंड करना तो ये इतना भी हो सकता है, जिसमें कम से कम आप चाहें तो कम से कम 4 से 5 दिन का ट्रैवलिंग का टूरिंग का आप कर सकते हैं, इसको टेल बैग भी बना सकते हैं और इसको आप टैंक बैग भी बना सकते हैं, ये आप पे चॉइस है। और ऐसे मार्केट के अंदर आपको और भी टैंक बैग मिल जाएंगे इसी साइज़ के, इसी प्राइसिंग में। लेकिन इसको लेने के पीछे मेरा दूसरा जो काम था वो ये था कि मेरे पास में जो टेल बैग है वो भी वायर टेरा का क्लॉ है, उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊँगा कि मेरे को उसमें क्या थी। अब आते हैं इसके प्रोस और कॉन्स पे। देखो इसमें मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई है, बहुत अच्छा बैग है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैंने इसमें बहुत सामान भरा है, इसको बहुत ही रफली काम में लिया है और इसका जो साथ में वाटरप्रूफ बैग आता है इस बैग को भी मैंने बहुत काम में लिया है, क्योंकि जो मेरी राइड थी उसके अंदर स्नोफॉल हो रही थी तो उसमें मेरे को इसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, तो ये ऐसे काम आ जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता ताकि आपका जो व्यू है ऊपर का ये नहीं दबे अगर आपने GPS मोबाइल लगा रखा, और साइड से ये पूरा इसको लॉक कर लेता है और आप आराम से इसको माउंट कर सकते हो, उसमें वेलक्रो दिया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। रेन बैग लगा सकते हैं और राइड कर सकते हैं जहाँ तक कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो गीली नहीं होंगी, जब तक कि ये डूब नहीं जाए, क्योंकि मैंने महसूस किया छोटी मोटी बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। बैग बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, आप बैग पैक की तरह भी काम में ले सकते हैं, आप इसको टैंक बैग की तरह भी काम में ले सकते हैं, आप इसको टेल बैग की तरह भी काम में ले सकते हैं, और रफ एंड टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वायर टेरा की वारंटी है इसमें। तो ये था दोस्तों मेरा वायर टेरा का एक्सपीरियंस और वायर टेरा का बैग, मैंने खुद यूज़ किया है इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई कंपनी प्रमोटेड या प्रमोशनल कोई वीडियो है या मेरे को किसी ने कहा है कि आपको ये बनाना है। एक साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास जो भी आइटम्स हैं उनको मैं वेल नोन किया जाए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत कम यूज़र रिव्यूज़ मिलेंगे, जो भी हैं वो या तो प्रमोटेड हैं या उन्होंने साइड लेना चालू कर दिया है कि नहीं हमको ये प्रमोट करना है, हम ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने ये खुद यूज़ किया है, नहीं है, एक राइडर के पास में ये बैग होना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप बाइक पर हो, तो बाइक पे क्या होता है कि लगेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये टैंक बैग आराम से काम में ले सकते हो, और अगर हेलमेट कैरी करना है तो इसके अंदर आप हेलमेट भी कैरी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं या आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो प्लीज़
आप मुझे कमेंट करें, मैं और नेक्स्ट वीडियोस में अपने आप को और बेटर और भी इम्प्रूव कर पाऊंगा। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।